शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तुम ठीक हो जाओ, फिर कहीं पे भी जाना हम नहीं रोकेंगे। तुम्हारी जान से बढ़कर पैसे थोड़ी ना है। लो जूस पियो। लो। देखो स्वीटी, आज हमको मत रोको, समझी तुम? शिवांश, शिवांश, नहीं शिवांश, हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। दीदी ने दवाई देते वक्त कहा था कि तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है, तुम कहीं नहीं जाओगे। रुको, हम दीदी को बुलाते हैं। सुनी, तुम किसी को नहीं बुलाओगी, हम अभी थोड़ी देर में लौट आएंगे, समझी? अभी हमें जाने दो। नहीं शिवांश, 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 दरवाजा खोलो शिवांश। अम्मा जी, अम्मा जी, मम्मी, अरे बंद कर दिया बाहर से। क्या करें, क्या करें, कैसे निकले अब? फोन करते, मम्मी को फोन करते। नहीं नहीं, मम्मी की बात नहीं मानेंगे, मम्मी की बात नहीं मानेंगे शिवांश। हाँ, दीदी को कॉल करते। स्वीटी, हाँ स्वीटी बोलो। हेलो दीदी, दीदी देखो ना, शिवांश लड़ने जा रहे हैं उन लोगों से जिन लोगों ने हमारे पैसे हड़पे हैं। दीदी वो हमें कमरे में बंद कर दिए, उसे तुम किसी भी हालत में रोको, शिवांश की हालत ठीक नहीं है और वो ना बहुत गुस्से में, कहीं गुस्से में आके कुछ करना बैठे। हम अभी जा रहे हैं शिवांश। शिवांश, शिवांश रुकिए। शबनी, शबनी हटिए, रास्ता छोड़िए हमारा। आप इस हालत में कहाँ जा रहे हैं? हमने कहा था ना, हम पता लगा रहे हैं। शबनी, हमारा जाना बहुत जरूरी है और हम ठीक है, आप हटिए। नहीं, हम नहीं हटे, आप कहीं नहीं जा रहे। हम ऐसे हाथ पैर धरे नहीं बैठ सकते, वो लोग हाथ से निकल जाएंगे। अच्छा, आप यहाँ नहीं बैठ सकते और वो लोग वहाँ आपका इंतजार कर रहे होंगे। हाँ, अच्छा आप वहाँ चले भी गए और वो लोग मिल भी गए तो क्या करेंगे आप? मार पिटाई करेंगे? शिवांश, पुलिस को बुलाते हैं ना। शबनी, आप हमारी बात को नहीं समझ रही हैं। जब तक पुलिस पहुंचेगी बहुत देर हो जाएगी, आप हटिए। शिवांश नहीं, अच्छा ठीक है, हम भी चले। आप भी कहाँ? आपके साथ। हमारे साथ? और ऐसी हालत में? नहीं, बिल्कुल नहीं, आपका ऐसी हालत में चलना हमारे साथ बिल्कुल ठीक नहीं। आप जाइए अंदर और हमको चले दीजिए। नहीं शबनी, हमने आपसे कहा ना, आप जाइए अंदर, हम जाएंगे अकेले। यही यही फिक्र हमें भी आपके लिए। आप कसम खाइए कि आप किसी को मारेंगे नहीं वहां, खाइए कसम शिवांश, वरना हम आपको जाने नहीं देंगे। शिवांश बोलिए। ठीक है, ध्यान से बैठिए। सारी फाइल, सारे पेपर इकट्ठे करो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी फटाफट। तुम रुको, मैं देख के आता हूं, तुम सारे रखो उसमें। पागल पागल क्या है? तुमने कहा था ना गोरखपुर छोड़ के निकल जाओ, अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जहां पैक करो उसे। जी सर। सर, सर वो लड़का आ गया जिससे हमने चेक किया था। लड़का? शिवांश, पक्का यही जगह है? हाँ, उसका ऑफिस तो यहीं पे है। आओ देखते हैं। चलिए। चलो चलो जल्दी निकलो, निकलो निकलो, जल्दी जल्दी बैक करो सब कुछ, कुछ भी रहना नहीं चाहिए, चलो चलो जल्दी। जल्दी जल्दी, अरे आगे से नहीं बेवकूफों, पीछा ले रहा है। जाओ, बोरा वो ऑफिस है,
शिवांश, यहाँ तो कोई भी नहीं है। श्रवणि, लगता है सब भाग गए। देखा, कह रहे थे ना हम आपसे कि वो लोग आपके इंतजार में बैठे नहीं होंगे। देखिए, कोई भी नहीं है यहाँ। सब बर्बाद हो गया। तो क्या करेंगे हम? इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाएंगे हम? शिवांश, आप परेशान मत होइए, हम उन्हें जरूर पकड़ लेंगे। आपने जिस बैंक के खाते में पैसे डाले हैं ना, आजकल हम लोग खाते के जरिए उन्हें पकड़ सकते हैं, क्योंकि आजकल खाते आधार कार्ड से लिंक्ड होते हैं। हम पुलिस के पास जाकर उन्हें पकड़ सकते हैं। शिवांश, चलिए। शिवांश, क्या सोच रहे? बैंक खाते से भी कुछ पता नहीं चलेगा। ऐसा क्यों कह रहे? कि श्रवणी, क्योंकि हमने उनको रिश्वत दी थी। जी नमस्कार। नमस्कार, हम शिवांश सिंह, स्वीटी और शिवांश कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से आए हैं। जी जी, आइए आइए, बैठिए बैठिए। हम वो कॉन्ट्रैक्ट का जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो डिपॉजिट करवाने आए हैं, तो आप हमको अकाउंट नंबर दे दीजिए। ठीक है, हम मलेशिया का अपना एक अकाउंट नंबर देते हैं, आप उसमें डिपॉजिट करवा दीजिए। मलेशिया? लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट तो गोरखपुर का है, तो फिर विदेश के अकाउंट में पैसे क्यों डालने? भैया आप बहुत सीधे हो, अब इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो ऐसे ही थोड़ी मिलता है, जेब गर्म करनी पड़ती है, वो भी पीछे से। मतलब हम समझे नहीं। अरे 10% तो ऑफिसर की जेब में जाएगा, अब 10% ऑफिसर को दे रहे हैं तो कम से कम आप 40% तो कमाओगे, इसीलिए मलेशिया के अकाउंट में डलवा रहे हैं। देखो, अगर आपको ठीक लगता हो तो ठीक है, नहीं तो इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमारे पास लाइन लगी हुई है। लेकिन मैं कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे लगता है आपका पहला कॉन्ट्रैक्ट है, इसीलिए आपकी घीघी बन रही है। अब देखो, पैसा कमाना है ना, रिस्क तो लेना होगा, और फिर तुमको भी आदत हो जाएगी। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, तो अब जा सकते हैं। याद रखना, तुम्हारा सारा पैसा ब्याज समेत तुम्हारे मुंह पे मारेंगे हम, और ये घर वापस लेंगे। अरे क्या सोच रहे हो भैया, कॉन्ट्रैक्ट लेना है कि नहीं लेना है? हाँ हाँ, हम तो बस ऐसे ही, ये चेक है 60 लाख का, इसमें अमाउंट हमने भर दिया है, आप नाम और जिस खाते में पैसे डाल लें वो अकाउंट नंबर इसमें भर दीजिए। जी ठीक है, वो सब हम भर लेंगे। मुबारक हो। क्या शिवांश, ये क्या कह रहे हैं आप? ये सबसे भी इसलिए हुआ क्योंकि आपने रोहन से होड़ लगाए बैठे थे, इतनी जल्दी आपको अमीर बनना था, बिना कुछ सोचे समझे आपने इतनी बड़ी रकम उन्हें कैसे थमा दी? शिवांश, बाप बनने वाले हैं आप, और इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकते हैं? श्रवणी, हमें पैसे देके अपना घर छुड़वाना था, इसलिए हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, और हमने सुना भी था कि कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए कुछ खिलाना पिलाना पड़ता है, रिश्वत देनी पड़ती है, फिर बस हम उनकी बातों में आ गए। शिवांश, कारोबार करना चाहते हैं ना आप शिवांश, तो एक चीज समझ लीजिए, इसमें फैसले सोच समझ कर लिए जाते हैं, होश में लिए जाते हैं। आपकी अपनी श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।